क्या आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है? तो आज हम आपके लिए इसका एक सटीक उपाय लेके आए हैं। आज हम आपको रेड जूस की रेसिपी बताएंगे। ये रेड जूस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इस रेड जूस का एक ग्लास डेली कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल तेजी से बढ़ता है और एनीमिया की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके साथ साथ एनीमिया की वजह से अगर आपके शरीर में और भी कोई बीमारियां हैं, और भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हमने एक नई शुरुआत की है। आज संडे है और अब से हम हर संडे आपके लिए एक होम रेमेडीज घरेलू नुस्खे की रेसिपी लेके आएंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में भी बता देते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लोहयुक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इसका मुख्य काम हमारे फेफड़ों से शरीर के विविध अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी है कि आपके खून में इसकी मात्रा सही हो। इसकी सही मात्रा पुरुषों में 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर और महिलाओं में 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है। इस रेड जूस में हमने 5 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और वो पाँचों पाँच हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसको हेल्थ जूस भी कह सकते हैं। अगर आप इस जूस का डेली एक ग्लास कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल तो बढ़ेगा ही, आपकी ऑल ओवर हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हम जूस बनाना। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर बाउल में 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। टमाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम इसमें 5 से 6 फ्रेश स्ट्रॉबेरी के टुकड़े ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है तो इसे ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी ना मिले, सीज़न ना हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सर्दियों में हमेशा अवेलेबल होती है, तो जब तक स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हो उसको ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हमने यहाँ पर एक गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिए हैं। गाजर में विटामिन ए, विटामिन K1 और B6 भरपूर मात्रा में होता है। आयरन की मात्रा भी इसमें भरपूर होती है, तो इसको ज़रूर ऐड करें। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी अनारदाने लिए हैं। अनार में विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, इससे हमारी स्किन ग्लो करती है, तो इसको ज़रूर ऐड करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के बीट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, उसको ऐड कर रहे हैं। और बीट में फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन B9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम इसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे और अभी हम इसका जूस बना लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जूस रेडी है। अभी मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें एक कटोरी पानी और ऐड कर रही हूँ और एक बार हम इसको फिर से चला लेंगे। तो ये हमारा जूस तैयार है। आप चाहें तो इस जूस को डायरेक्टली ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं और अगर आपको ऐसे ना पसंद हो तो आप इसको एक बार छान भी सकते हैं। तो हम इस जूस को यहाँ पर छान के यूज़ करेंगे। ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल जूस है और एक महीना आप इसको ट्राई करें और फिर जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, जो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं।
इस जूस को आप डायरेक्टली ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें ये काला नमक ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिला देंगे और इसके बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे जूस का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। आप इस जूस को सुबह को, दिन को, शाम को किसी भी टाइम ले सकते हैं। इस जूस को कंटिन्यूसली एक महीना डेली पिएं और फिर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको कौन से रिजल्ट नज़र आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।